वेलकम टू माय चैनल आरपी की तकनीकी खेती। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। किसान भाइयों नमस्कार। प्रिय किसान भाइयों, आज हम आपको आम की फसल के बारे में कुछ जानकारियां देंगे जिससे हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। आम में इस समय पुष्प अवस्था मतलब फ्लावरिंग स्टेज आ रही है, इस समय फूल निकल रहा है और मौसम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, जिससे कि जो फूल की अवस्था है उसमें कई प्रकार के रोग लग सकते हैं, कीड़े मकोड़े लग सकते हैं। इससे हम उत्पादन हमारे फसल का उत्पादन घट सकता है। किसान भाइयों, इस समय हम अपने बाग में कीटनाशक इमिडाक्लोरपिड या क्यूनालफास, इमिडाक्लोरपिड 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से और क्यूनालफास 3 से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसमें फंजीसाइड भी मिलाया जा सकता है, जैसे कार्बेंडाजिम हुआ या आपका ये WDG सल्फर आता है, इसको मिलाकर हम स्प्रे करवा सकते हैं और अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं और इसमें जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उसका भी प्रकोप कम हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों, हम अल्टरनेट इसका 2 स्प्रे करते हैं, एक स्प्रे जो दिसंबर में होता है और दूसरा स्प्रे फरवरी के पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह के बीच में किया जाता है, जिससे आम की फसल में अच्छा उत्पादन लिया जा सके। किसान भाइयों, आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।